दोस्तों क्या हालचाल है आपके। तो आई होप आप बढ़िया ही होंगे। तो आपका एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मनीष मंडल में। फिलहाल सामने अपने हैं मारुति सुजुकी बलेनो का सेकंड टॉप वेरिएंट, मतलब मारुति सुजुकी बलेनो का जीटा वेरिएंट। अगर आप मारुति सुजुकी बलेनो का जीटा वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकती है। सुजुकी जीटा वेरिएंट। बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की, तो ये मिल जाती है हमें एक शोरूम मिल जाती है 8,39,000 रुपये में। यह है गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको पूरी गाड़ी की पूरी साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। यह है गाड़ी का जो प्रीमियम कलर है, नेक्सा ब्लू कलर है, जिसमें गाड़ी बहुत शानदार लगती है, स्पोर्टी लुक लगता है गाड़ी का पूरा देखने से। चलते हैं गाड़ी के रियर में, कुछ इस तरह से आपको गाड़ी का पूरा रियर लुक देखने को मिल जाता है। तो भाई अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो आपको इस तरह से गाड़ी का कुछ फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चौड़ाई की, तो कितनी मिल जाती है चौड़ाई, तो वो मिल जाती है आप 1745 में हमें गाड़ी की चौड़ाई मिल जाती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नीचे से, यहाँ पर यहाँ में आप बॉडी को लाइट बम्फर मिल जाता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। नीचे आपको यहाँ पर फॉग लैंप नहीं मिलता, लेकिन फॉग लैंप की हमें हाउसिंग मिल जाती है। ऊपर हम यहाँ पर हमें क्रोम का उपयोग किया गया है, जो एक अच्छा खासा लुक दे रहा है सामने फ्रंट में फॉग लैंप के ऊपर। चलते हैं यहाँ पर, तो हमें टॉक का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, चलते हैं इसके ऊपर यहाँ पर। तो बात करते हैं गाड़ी के हेडलैम्प की, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है एलईडी के साथ में। यहाँ पर हमें 3 एलईडी डीआरएल से भी देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, जो हैलोजन रिफ्लेक्टर बल्ब के साथ मिल जाता है। हेडलैम्प के साथ में गाड़ी का जो थ्रो है बहुत शानदार होता है रोड के ऊपर नाइट में। चलते हैं साइड में, तो यहाँ पर मिल जाता है हमें एकदम पूरा क्रोम का वर्क किया हुआ है सामने फ्रंट में, जो एक अच्छा खासा लुक दे रहा है गाड़ी को सामने से। चलते हैं सामने, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है सुजुकी का लोगो मिल जाता है, जो क्रोम फिनिश में है। यहाँ पर हमें नेस्ट वे पैटर्न पर गाड़ी की रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें हॉर्न की प्लेसमेंट मिल जाती है अंदर है गाड़ी के ऊपर। तो यहाँ पर हमें 2 वाइपर मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हमें 2 वॉशर मिल जाते हैं इस तरीके से। भाई पूरी गाड़ी का फ्रंट लुक पूरा कवर होता है। तो भाई कुछ इस तरीके से आपको पूरी गाड़ी के साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की लंबाई की, तो कितनी मिल जाती है लंबाई, तो वो मिल जाती है 3990 mm, मतलब 3990 mm में गाड़ी की पूरी लंबाई मिल जाती है। बात करते हैं गाड़ी की हाइट की, तो कितनी मिल जाती है, वो मिल जाती है 1500, मतलब 1500 mm में गाड़ी की हाइट मिल जाती है। बात करते हैं गाड़ी के व्हील बेस की, तो वो मिल जाता है हमें व्हील बेस मिल जाता है 2520 mm गाड़ी का हमें पूरा व्हील बेस मिल जाता है, 2520 mm हमें गाड़ी का व्हील बेस मिल जाता है। बात करते हैं गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वो मिल जाता है हमें 170 mm का हमें गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलते हैं इधर साइड में, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है। बात करें गाड़ी के टैंक की कैपेसिटी की, तो यहाँ पर हमें 37 लीटर की गाड़ी की फुल टैंक मिल जाती है। देख लेते हैं हम गाड़ी के टायर प्रोफाइल को, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 195/55 R16 इंच का हमें टायर मिल जाता है। साथ में हमें यहाँ पर प्रिंटेड अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं फिजिशियन कट में, क्या शानदार लग रहा है आप देख सकते हैं। बीच में हमें यहाँ पर क्रोम फिनिश में सुजुकी की हब केप मिल जाती है, आप देख सकते हैं कितना शानदार प्रोफाइल लग रहा है पूरा टायर का। चलते हैं इधर ऊपर, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है बॉडी कलर ORVM मिल जाता है। साथ में यहाँ पर हमें टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, जो इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्टेबल बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। चलते हैं आगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है क्रोम फिनिश में डोर हैंडल मिल जाता है, साथ में हमें यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे, तो यहाँ पर रियर डोर भी हमें क्रोम फिनिश के साथ में मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक वेलकम लाइन दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, जो सिग्नेचर साइन में है, कितना अच्छा लुक दे रही है गाड़ी के साइड प्रोफाइल को। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के ए पिलर की, तो यहाँ पे हमें ब्लैक कलर का ए पिलर मिल जाता है। यहाँ पर हमें बी पिलर भी ब्लैक कलर मिल जाता है, और सी पिलर भी हमें यहाँ पर ब्लैक कलर मिल जाता है। यहाँ पर छोटा सा क्वार्टर ग्लास दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरा गाड़ी का लुक एरोडायनामिक शेप में दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा एरोडायनामिक शेप में गाड़ी का पूरा लुक दिया गया है। बात करते हैं गाड़ी के, तो फ्रंट में हमें मिल जाता है यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में हमें मिल जाता है ड्रम ब्रेक मिल जाता है। करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह ऊपर से, तो यहाँ पर हमें रूफ में मिल जाता है माइक्रो एंटीना मिल जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है, इसी के अंदर हमें यहाँ पर LED हाई माउंटिंग स्टॉप लैंप मिल जाता है। यहाँ पर हमें वाइपर भी मिल जाता है, साथ में डिफोगर भी मिल जाता है इस वेरिएंट के साथ में, क्योंकि ये सेकंड टॉप वेरिएंट है जीटा वेरिएंट है। यहाँ पर हमें नेक्सा की बेजिंग मिल जाती है, आप देख सकते हैं। चलते हैं इस साइड में, यहाँ पर तो हमें यहाँ पर बलेनो की बेजिंग मिल जाती है। यहाँ पर टेलगेट क्रोम का उपयोग किया गया है गार्निश का, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक मिल रहा है यहाँ पर। चलते हैं इसी के अंदर, हमें यहाँ पर मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बीच में यहाँ पर हमें सुजुकी का लोगो मिल जाता है क्रोम फिनिश में, जो अच्छा खासा दिख रहा है, यहाँ पर लुक बढ़ा रहा है गाड़ी के रियर को। चलते हैं बात कर लेते हैं गाड़ी के आप रियर टेल लैंप की, तो यहाँ पर हमें सिग्नेचर LED रियर टेल लैंप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर
4.1, 2, 3, 4 पॉइंट यहाँ पर LED में दिए गए, ऑलवेज ऑन मोड पर गाड़ी का यही भाग चलता रहता है इतना इतना आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट LED दी गई है, 1, 2, 3, यहाँ पर 3 पॉइंट LED सेटअप के साथ दिया गया है। रियल टेल लैम्प यहाँ पर हमें मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर मिल जाता है इधर, यहाँ पर हमें रिवर्स लैम्प मिल जाता है गाड़ी के साथ में। इस तरीके से भाई पूरी गाड़ी का जो टेल लैम्प है बहुत शानदार लग रहा है, स्पोर्टी दिख रहा है। यहाँ पर चलते हैं नीचे तो बात करते हैं गाड़ी के बम्फर की। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है बॉडी कलर्ड बम्फर मिल जाता है, इसी के अंदर हमें 4 रिवर्स पॉइंट सेंसर मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 मतलब 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है साथ में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से भाई पूरी गाड़ी का रियर लुक भी कंप्लीट होता है। आपने गाड़ी के इंटीरियर को तो पूरी तरीके से देख लिया है बाहर से, अब चलते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर में। तो उसके लिए चाहिए हमें गाड़ी की चाबी, तो कुछ इस तरीके से हमें गाड़ी की चाबी मिल जाती है, आप देख सकते हैं। इसमें हमें मिल जाते हैं लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है, आप देख सकते हैं लॉक या अनलॉक। इस तरीके से हमें गाड़ी में 2 स्विच मिलते हैं, आप देख सकते हैं। साथ में हमें ड्राइवर साइड डोर पर और को ड्राइवर साइड डोर पर दोनों जगह पर हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमें कीलेस एंट्री मिलने वाली है। हम जैसे इसको प्रेस करेंगे गाड़ी लॉक होगी, इसे प्रेस करेंगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। इसलिए अब चाबी को रखते हैं अपने पॉकेट में या तो फिर गाड़ी के अंदर। इस तरीके से हम गाड़ी का पूरा डोर ओपन करते हैं भाई, इसमें हमें कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है। चाबी को रखते हैं यहाँ पर सीट पर। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट केबिन की, तो कुछ इस तरीके से हमें गाड़ी का पूरा फ्रंट केबिन देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कितना एरिया और कितना स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी के साथ में हमें। अब चलते हैं गाड़ी के रियर केबिन में, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं हमें कितना स्पेस मिल जाता है। यहाँ से हम लॉक करना भूल जाते हैं, हर बार अनलॉक करना। इस तरीके से हमें पूरे गाड़ी का रियर केबिन भी देखने को मिल जाता है, जो पूरा ब्लैक कलर में है और यहाँ पर ब्लू कलर का हल्का सा टेक्सचर दिया गया है यहाँ पर लेदर फिनिश के साथ में। आप देख सकते हैं पूरा रियर केबिन भी कितना एरिया और कितना स्पेस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं पहले ड्राइवर साइड डोर के बारे में। तो भाई यहाँ पर हमें इस तरीके से गाड़ी का डोर ट्रिम देखने को मिल जाता है ड्राइवर साइड का। यहाँ पर हमें डुअल टोन कलर के साथ में ड्राइवर साइड डोर मिल जाता है, यहाँ पर ब्लैक कलर और यहाँ पर ब्लू कलर का उपयोग किया गया। आप देख सकते हैं बहुत शानदार लग रहा है डोर देखने से। यहाँ पर हार्ड टॉप का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर भी हार्ड, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट टच का उपयोग किया गया। यहाँ पर लेदर फिनिश के साथ में गाड़ी की यहाँ पर सॉफ्ट टच मिल जाता है हमें साथ में। यहाँ पर ग्लोसी ब्लैक फिनिश का उपयोग किया गया, आप देख सकते हैं। बात करते हैं गाड़ी के डोर हैंडल की, तो यहाँ क्रोम फिनिश में यहाँ पे लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर हमें चारों पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर साइड विंडो है या ऑटो आपके साथ मिल जाती है हमें, और ऑटो अप का भी हमें फीचर मिल जाता है। इसमें हमें ऑटो अप और ऑटो डाउन दोनों का फीचर्स मिल जाता है। यहाँ पर ORVM को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए यहाँ पर एक स्विच मिल जाता है, जो इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर इसे इलेक्ट्रिकली हम एडजस्ट भी कर सकते हैं स्लीवर की सहायता से, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं स्लीवर की सहायता से। बाकी यहाँ पर विंडो को लॉक करने के लिए यहाँ पर एक स्विच मिल जाता है। इस तरीके से भाई पूरा ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर मैप पॉकेट मिल जाता है, यहाँ पर हमें स्पीकर मिल जाता है। साथ में हमें चारों डोर पर 4 स्पीकर मिल जाते हैं, कहाँ पर 1, 2, 3, 4 चार डोर पर 4 स्पीकर मिल जाते हैं। साथ में हमें 2 ट्विटर भी मिल जाते हैं, यहाँ पर 1, 2 केवल हम गाड़ी के साथ में हमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है, आप देख सकते हैं भाई। इस तरीके से गाड़ी का पूरा डोर कम्प्लीट होता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब भाई चलते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के ड्राइवर सीट के बारे में। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं हम, ड्राइवर सीट हमें मिल जाती है हाइट एडजस्टमेंट के साथ में, हमें गाड़ी की ड्राइवर सीट मिल जाती है। हम बैग को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर चलते हैं भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बात करते हैं गाड़ी की सीट की थाई सपोर्ट की, तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें थाई सपोर्ट मिल जाता है। साथ में जो फैब्रिक है ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी का लग रहा है यहाँ पर। साथ में हमें बैक सपोर्ट भी मिल जाता है इस गाड़ी के साथ में। इस तरीके से भाई पूरी ड्राइवर सीट कंप्लीट होती है। अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर ABC पेडल मिल जाता है यहाँ पर। साथ हमें डेड पेडल भी इस गाड़ी के साथ मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है चिल्लर विल्लर रखने के लिए। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। सबसे पहले तो मैं अपने हाइट को अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ ड्राइवर सीट को। हाँ, देख लेते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, टेलीस्कोपिक का हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है इस गाड़ी में। बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है क्रोम फिनिश में। यहाँ पर हमें एयरबैग की बेजिंग मिल जाती है, यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल मिल जाते हैं। चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर हमें टेलीफोनिक के कंट्रोल मिल जाते हैं। डी कट फ्लैट बॉटम में हमें स्टीयरिंग मिल जाता है, आप देख सकते हैं। साथ में बात करते हैं इधर, तो यहाँ पर हमें हेड वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। इस साइड बात करते हैं तो यहाँ पर हमें हेडलैम्प के कंट्रोल मिल जाते हैं, जो ऑटो हेडलैम्प के साथ में हमें। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के स्टेबिलाइजर क्लस्टर की, तो सबसे पहले इसे हम ओपन करते हैं, यहाँ से ऑन करते हैं। तो भाई इस तरीके से गाड़ी का हमें स्टेबिलाइजर क्लस्टर मिल जाता है, आप देख सकते हैं। एक तरफ मिल जाता है हमें स्पीडोमीटर, एक तरफ मिल जाता है टेकोमीटर, बीच में मिल जाती है छोटी सी MID मिल जाती है, जो TFT कलर डिस्प्ले के साथ में पूरा हमें सिस्टम देखने को मिल जाता है यहाँ का। यहाँ पर हमें बैटरी हाई लो स्पीड डोर सेंसर, उसके बाद में सीट रिमाइंडर,
सीट बेल्ट का सारे मतलब लॉक टेम्परेचर सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं, पूरे तमाम इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी की हमें इसमें मिल जाती है। इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमें दो लीवर मिल जाते हैं, एक सेट मिल जाता है, एक सेट मिल जाता है। इससे हम गाड़ी के तमाम इन्फॉर्मेशन को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूल स्पीड वगैरह हर चीज़ का हमें यहाँ पर जानकारी मिल सकती है। अब चलते हैं इधर, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए यहाँ पर एक स्विच मिल जाता है, यहाँ पर एडल स्टार्ट स्टॉप बटन के लिए स्विच मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर हेडलैम्प को सेट करने के लिए यहाँ पर एक लेवल स्विच मिल जाता है, आप देख सकते हैं। चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर हमें छोटा सा एक चिल्लर विलर रखने के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पर हमें स्टार्ट स्टॉप पुश बटन मिल जाता है, आप देख सकते हैं, जिसके सराउंडिंग क्रोम का उपयोग किया गया है। चलते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एसी का वेंट मिल जाता है, एक दो तीन चार एसी के वेंट मिल जाते हैं। यहाँ पर बीच में यहाँ पर साटन फिनिश क्रोम का उपयोग किया गया है, आप देख सकते हैं, जो एक अच्छा खासा लुक दे रहा है गाड़ी के फ्रंट डैशबोर्ड को। कलर और ब्लू कलर का हमें यहाँ पर सेटअप मिल जाता है, साथ में यहाँ पर सिल्वर फिनिश का भी उपयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एयरबैग एक यहाँ पर मिल जाता है, एक एयरबैग हमें यहाँ पर मिल जाता है, इस तरह से हमें दो एयरबैग मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं अब ऊपर, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है, टिकट होल्डर नहीं मिलता, नॉर्मल सा हमें सनवाइजर मिलता है। यहाँ पर हमें लैंप मिल जाता है, आप देख सकते हैं, छोटे मोटे यहाँ पर हमें दो माइक मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। इधर बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है मैग्नेटिक विलर मिल जाता है इस साइड में, हमें यहाँ पर हमें ग्रिप हैंडल मिल जाता है। अब इस तरह के सब गाड़ी का जो पूरा कवर होता है सामने का फ्रंट डैशबोर्ड, करते हैं गाड़ी के सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है। साथ भाई इस वेरियंट में हमें रियर में कैमरा मिल जाता है, इसलिए हम उसे चेक कर लेते हैं कि उसकी विजिबिलिटी कैसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इस तरह से पूरा रियर व्यू मिल जाता है कैमरे से, थोड़ी धूप है इस कारण यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें इसमें यहाँ पर हमें एसी के इवेंट मिल जाते हैं। चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर हमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है। चलते हैं नीचे, तो हमें यहाँ पर 12 वाट का पावर आउटलेट मिल जाता है, यहाँ पर USB चार्जर मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी हमें जगह मिल जाती है। तो हम बड़ा करते हैं बंद, यहाँ पर हमें हजार्ड लैंप का स्विच भी मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिल जाती है, यहाँ पर दो कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का यहाँ पर गियर लीवर मिल जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर थोड़ी स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर हमें हैंडब्रेक मिल जाता है जो क्रोम फिनिश के साथ में यहाँ पर मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें आर्म रेस्ट मिल जाता है, आप देख सकते हैं, इसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हम थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है, इसके अंदर स्लाइडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है इसमें, आप देख सकते हैं स्लाइडिंग है, बहुत आरामदायक है यहाँ पर। इस तरीके से भाई आपने देखा पूरी गाड़ी का अब फ्रंट डैशबोर्ड, यहाँ पर हमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है, आप देख सकते हैं, अच्छा खासा इसमें स्पेस भी है। यहाँ पर इस एसी वेंट के ऊपर यहाँ पर क्रोम फिनिश का उपयोग किया गया, आप देख सकते हैं इधर भी कितना शानदार लग रहा है एसी वेंट। इस तरह से पूरी गाड़ी का फ्रंट कवर होता है, यहाँ पर हमें मिल जाता है मैनुअल IRVM मिल जाता है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के रियर केबिन में, तो इसको हम बंद करते हैं, यहाँ पर रियर केबिन को देख लेते हैं यहाँ पर। तो भाई रियर केबिन हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं रियर डोर ट्रिम की, तो यहाँ पर भी हमें ब्लैक कलर और ब्लू कलर का उपयोग किया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हार्ड टच मिल जाता है, यहाँ पर हमें सॉफ्ट टच के साथ में मिल जाता है, साथ में लेदर रेप्ड मिल जाता है यहाँ पर इस जगह यहाँ पर सॉफ्ट। यहाँ पर हमें पियानो ब्लैक फिनिश का उपयोग किया गया, यहाँ पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर डोर हैंडल मिल जाता है क्रोम फिनिश में, या लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है। चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर मिल जाता है बोतल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर हमें मिल जाता है मैप पॉकेट, यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है, स्पीकर हमें 4 डोर पर मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 डोर पर 4 स्पीकर मिल जाते हैं। बात करते हैं गाड़ी का थाई सपोर्ट की, रियर सीटिंग की, तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिल जाता है, आप देख सकते हैं 3 लोग बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं। यहाँ पर हमें थाई सपोर्ट भी मिल जाता है। रेस्ट के, तो यहाँ पर हमें हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 1, 2 इस तरह से हमें 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो भाई सीट को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ था, आप देख सकते हैं, उसके बावजूद भी देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना अच्छा हमें यहाँ पर लेग रूम मिलता है। बात करते हैं गाड़ी कितना अच्छा हमें यहाँ पर हेड रूम भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं इस तरह से भाई पूरी यहाँ पर 3 लोग बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं। यहाँ पर रियर पैसेंजरों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें रियर में एसी वेंट मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर इसको स्विच मिल जाता है, यहाँ पर हमें USB चार्जर मिल जाते हैं, सी टाइप मिल जाता है, यहाँ पर हमें चार्जिंग, यहाँ पर हमें मोबाइल रखने की थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है। सेकंड रीडिंग लैंप मिल जाता है, आप देख सकते हैं, जो हेलोजन बल्ब के साथ में आता है। भाई इस तरीके से हमें ग्रेप हैंडल मिल जाता है, 1, 2, 3 जगह हमें ग्रेप हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर हमें एक हुक भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से भाई पूरी गाड़ी का रियर केबिन भी कंप्लीट होता है। बात करते हैं गाड़ी के एयरबैग की, तो इसमें हमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं कंपनी की तरफ से, एक यहाँ पर मिल जाता है ड्राइवर साइड, एक को ड्राइवर साइड, उसके बाद में एक यहाँ सीट बेल्ट पे सीट में मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर एक मिल जाता है कर्टन एयरबैग। इस तरीके से हमें टोटल इस गाड़ी में 6 एयरबैग मिल जाते हैं सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए। अब चलते हैं भाई गाड़ी के, देख लेते हैं गाड़ी के बूट को, हम गाड़ी के रियर बूट को, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के लिए भाई यहाँ पर चाबी मिल जाती है, इससे लॉक कर अनलॉक करते हैं।
यहाँ से ओपन करते हैं भाई। इस तरीके से आपको पूरी गाड़ी का रियर बूट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें पार्सल ट्रे मिल जाती है इस वेरियंट के साथ में। साथ में हमें मिल जाता है इसमें 318 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। आप देख सकते कितना अच्छा खासा इसमें हमें बूट स्पेस मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप भी है ताकि सामान वामान रखने में बड़ी आसानी रहती है हमें। यहाँ पर हमें मिल जाता है बूट लैंप मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें हुक मिल जाता है, इस साइड मिल जाता है। गाड़ी के स्पेयर व्हील की तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 185/65 R15 इंच का यहाँ पर हमें स्पेयर व्हील मिल जाता है। आप देख सकते हैं जो स्टील रिम के साथ में आता है। यहाँ पर हमें स्टेपनी वगैरह के कुछ सामान मिल जाते हैं। अगर आप गाड़ी के बूट स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें 60/40 का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप इसके सहायता से गाड़ी की सीट को हम फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अच्छा खासा यहाँ पर हमें जगह मिल जाती है बूट स्पेस के लिए। इसे वापस हम सही करते थे उसकी जगह पर, है ना। रियर में भी हमें 3 सेफ सीट बेल्ट मिल जाते हैं, 1, 2, 3 सीट बेल्ट मिल जाते हैं। रियर में भी 3 पैसेंजर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसको करते हैं बंद। गाड़ी का सेफ्टी फीचर्स आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, वहां पर आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। बात करते हैं गाड़ी के इंजन की तो ये मिल जाता है 1.2 लीटर डुअल जेट डुअल VVT इंजन मिल जाता है, जो 1200 cc के साथ में आता है 4 सिलेंडर के साथ में, जो अधिकतम पावर जनरेट करता है 88 BHP की। बात करते हैं टॉर्क की तो ये करता है 113 Nm का यहाँ पर टॉर्क जनरेट करता है। बात करते हैं गाड़ी का माइलेज की तो इसमें मिल जाता है हमें 22-23 किलोमीटर का अच्छा खासा हमें इस गाड़ी के साथ में माइलेज मिल जाता है। साथ में हमें ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड ट्रैक्शन कंट्रोल सारी यहाँ पर यूनिट हमको देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको पूरा इंजन मिल जाता है। यहाँ पर बैटरी मिल जाती है, यहाँ 4 सिलेंडर मिल जाते हैं। नीचे बात करते हैं गाड़ी के इंजन प्रोटेक्शन गार्ड मिल जाता है इस गाड़ी के साथ में हमें, जो एक अच्छी बात है यहाँ पर, ताकि चूहे वगैरह या कोई जानवर नहीं घुस सकता अंदर। आप देख सकते हैं भाई इस तरीके से पूरा आपको इंजन मिल जाता है। केबिन को साइलेंट बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक ऊपर एक कपड़े का उपयोग किया गया है, जिससे अंदर आवाज़ नहीं आ सके आपको केबिन के अंदर इंजन की। तो मारुति के इंजन इतने शानदार और इतने रिफाइंड होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलती गाड़ी चालू है या बंद है। इस तरीके से हमें पूरा इंजन मिल जाता है, आप देख सकते हैं भाई। फिलहाल सामने अपने हैं मारुति सुजुकी बलेनो का सेकंड टॉप वेरिएंट, मतलब मारुति सुजुकी जीटा वेरिएंट। बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की तो ये मिल जाती है हमें एक्स शोरूम मिल जाती है 8,39,000 रुपये में। बात करते हैं गाड़ी के ऑनरोड प्राइस की तो मैं अभी फिलहाल आया हूँ मारुति सुजुकी निर्माण मोटर्स नेक्सा शोरूम सनावत रोड खरगोन मध्य प्रदेश। तो यहाँ मिल जाती है मोटा मोटा आपको 9,70,000 रुपये समथिंग। अधिक जानकारी के लिए आप शोरूम पर जाकर विजिट करें। तो भाई ये थी गाड़ी, गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, गाड़ी अच्छी लगी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कर लेना मनीष पांडे यूट्यूब चैनल को। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करना।